नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्तिक मास स्पेशल कालचक्र में। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पूरे कार्तिक मास कैसे करें स्नान दान और महा उपाय, कार्तिक मास में बरसेगा धन और होगी बरकत, दिखे कालचक्र। जी हाँ, कार्तिक मास की शुरुआत हो चुकी है और ऐसा माना जाता है कि कार्तिक के पवित्र महीने में स्नान दान पूजा पाठ और दीप दान करने से घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी वास होता है और सभी तरह के मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, यानी कि सभी तरह की जो आपकी मनोकामनाएं हैं वो पूरी होती हैं। तो ऐसे में आपको अपनी राशि के अनुसार पूरे कार्तिक मास कैसे करना है स्नान दान और पूजा पाठ, और महा उपाय क्या हो सकते हैं आपके लिए जिससे आपके घर भी बरसे धन और धान्य, बरकत हमेशा बरकरार रहे, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको विस्तार से बताएंगे। तो धन लाभ और महापुण्य पाने के लिए इस खास मौके को अपने हाथ से जाने ना दें और ध्यान से देखें आज का कालचक्र। साथ ही कोई भी सवाल आपके मन में आता है तो आप हमें फोन कर सकते हैं, इसके लिए हमारा नंबर आप नोट कर लीजिए जल्दी से, नंबर है 0120-665-2411। तो आइए अपनी खास चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे शास्त्रों में कार्तिक मास के बारे में क्या कहा गया है, क्यों कार्तिक मास के महीने को सबसे ज्यादा पुण्यदायी और फलदायी माना गया है, साथ ही कार्तिक मास में माँ लक्ष्मी की कृपा पाकर दरिद्रता को दूर करने के कौन से खास उपाय हैं, सबसे पहले पंडित जी से यही जानते हैं। तो पंडित जी, कार्तिक मास का महत्व और विशेषता इसके बारे में पहले बताइए। देखो, ऐसा है विपनेश, जहाँ तक मैंने जो शास्त्रों का अध्ययन अवलोकन किया है उसके आधार पर एक निष्कर्ष जो मन में आता है वो ये आता है कि शरद ऋतु शक्ति की उपासना के लिए सर्वश्रेष्ठ सनातन धर्म में माना गया है। माँ दुर्गा की उपासना जी, के लिए। शक्ति का मतलब केवल माँ दुर्गा नहीं, उनकी 10 महाशक्तियां भी हैं। शक्ति एक ही वाहम जगत तत्र द्वितीया कामा परा, उनकी जितनी भी विभूतियां हैं सब शक्ति की संज्ञा से ही संबोधित की जाती हैं, चाहे वो काली हो, चाहे तारा हो, चाहे त्रिपुर सुंदरी हो, चाहे भैरवी हो, चाहे छिन्नमस्ता हो, चाहे बंगलामुखी हो, चाहे कमलात्मिका हो, चाहे खोड़सी हो, तो मतलब जितनी भी उनकी 10 महाविद्याएं हैं वो सब की सब शक्ति के नाम से ही जानी जाती है। पंडित जी, आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ सभी जगह माँ का आशीर्वाद लेने का, या भी बाकी है कुछ मंदिर? देखो ऐसा है, सच्ची बात बताऊं, आदिशक्ति जगत जननी विंध्यवासिनी है और इन्हीं से सारी देवियों का प्राकट्य होता है जी। और अगर मैंने उन्हीं का दर्शन कर लिया है तो अब कोई देवी वो भी बाकी नहीं है। बिल्कुल सही बात, समझ रहे हो ना। हाँ, एक ही वाहम जगत तत्र द्वितीया का मा परा, जितनी देवियों का प्रादुर्भाव होता है सब उन्हीं से होता है। और आप तो सौभाग्य आपका, आप तो वहीं से आते हैं। हाँ, और मैं उनके ही श्री चरणों का दर्शन करके और हर देवी के दर्शन के मनोरथ को पूरा कर लेता हूँ। हाँ, जाने के लिए बहुत जगह गया हूँ, ऐसा नहीं है नहीं गया हूँ। जाने के लिए कोल्हापुर हर साल जाता हूँ दर्शन करने के लिए, माँ महालक्ष्मी का सिद्ध पीठ है, करवीर निवास न्याम स्थान सर्वोत्तम उत्तमा, देवी भागवत में वर्णन आता है। कोल्हापुर को प्राचीन भाषा में करवीर कहते हैं, करवीर, करवीर निवास न्याम स्थान सर्वोत्तम उत्तमा, वहाँ गया हूँ। और चिंतपूर्णी गया हूँ, ज्वाला देवी गया हूँ, बगलामुखी गया हूँ, दतिया मतलब कि पीताम्बरा पीठ पर गया हूँ, और रजरप्पा झारखंड में वहाँ छिन्नमस्तिका का पीठ है वहाँ गया हूँ। तो मतलब जाने के लिए तो बहुत जगहों पे गया हूँ। और अपना यहाँ नैमिषारण्य में ललिताम्बिका का सिद्ध पीठ है वहाँ गया हूँ, इलाहाबाद में ललिताम्बिका का पीठ है वहाँ गया हूँ। तो जाने के लिए बहुत जगह गया हूँ, लेकिन सच बात तो ये है कि आदिशक्ति जह जग उपजाया, आदिशक्ति जिसने इस पूरे चराचर सृष्टि की रचना की वो तो माँ विंध्यवासिनी ही है जी। और हर स्थान पर देवी सती के जहाँ जहाँ अंग गिरे हैं वहाँ वहाँ देवियों की मतलब की जो है सिद्ध पीठ है, लेकिन विंध्याचल एक ऐसा स्थान है जहाँ सती का कोई अंग नहीं गिरा है, बल्कि मतलब सृष्टि के पहले से ही वहाँ आदिशक्ति के रूप में विंध्यवासिनी विद्यमान है। और विंध्याचल को दूसरी भाषा में मणिपुर द्वीप भी कहते हैं, मणिपुर द्वीप भी कहते हैं, विंध्याचल को ही मणिपुर द्वीप कहते हैं। तो कहने का आशय यह है कि देखिए, कार्तिक का महीना सनातन धर्म में 9 दिन नव दुर्गा के, आश्विन महीने की परिवा से नवमी तक पूरा भारत व्रत करता है,
पूरा भारत दुर्गा पूजा का आयोजन करता है, पूरा भारत कुमारी कन्या का पूजन करता है, तो हुआ ना। अच्छा, अब दूसरा कार्तिक का महीना आया। कार्तिक के महीने में जो सनातन धर्म की सबसे मूल आस्था है वो प्रातः स्नान में है। जो कुंवारी कन्याएं प्रातः काल सूर्योदय से पहले स्नान कर लें और स्नान करके भगवान विष्णु या भगवान शिव की पूजा उपासना करें, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ऐसी कुंवारी कन्याएं अपने जीवन में समस्त वैभव से परिपूर्ण होकर के और एक धर्ममय जीवन व्यतीत करती हैं। इसलिए हर कुमारी कन्याओं को चाहिए कि विवाह के पूर्व कार्तिक के महीने में प्रातः काल सूर्योदय से पहले स्नान करके और जिस भी देवी देवता में आपकी निष्ठा हो उसकी विधिवत आपको पूजन करना चाहिए और सूर्य को अर्घ भी देना चाहिए। जो लड़के विद्यार्थी जीवन में हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम में हैं, 25 वर्ष से कम उम्र की हैं, उम्र के हैं, उन्हें भी प्रातः काल स्नान करके सूर्य को अर्घ दे करके कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। इससे उनकी तेजस्विता, उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और वो अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे और उनके अंदर सात्विक गुणों का विकास भी होगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। पूरे कार्तिक महीने में अशोक के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए। माँ लक्ष्मी की पूजा के बाद गन्ने की जड़ की पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक मास में चावल और गेहूं जरूरतमंदों में दान करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु का द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र को जपते हुए अपने माथे पर केसर और चंदन का तिलक लगाना चाहिए। घर में भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की स्थापना करके श्रीयंत्र का गन्ने के रस और अनार के रस से अभिषेक करना चाहिए। श्रीयंत्र है आपके पास, उसको पीतल की थाली में रख लीजिए। दक्षिणावर्ती शंख में पहले जल भर लीजिए। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणिम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जात वेदो में आवह ओम तामह आवह जात वेदो लक्ष्मी मनवगामिनीम हिरण्यम बिंदेयम गाम स्वपुरुषानहम अश्वपुरवाम रथवध्याम हस्तिनाद प्रमोदिनीम श्रेयम देवीम वय श्री रमाम देवी जुगताम। इस तरह से 16 मंत्र श्री सूक्तम के हैं। जल से, दूध से, गन्ने के रस से, शहद से, दही से, घी से, अगर आप पूरे श्री सूक्तम के मंत्रों से श्री यंत्र का अर्चन करें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, चाहे जितना बड़ा आपका प्रारब्ध खराब होगा, चाहे जितना आपका प्रारब्ध दूषित होगा, वो प्रारब्ध भी आपका समाप्त होगा और आप सुख का जीवन जी पाएंगे, समाज में सम्मान आपको मिलेगा। बशर्ते लोगों को जब कोई पूजा पाठ बताइए तो दो बात पहले पूछ देते हैं, अगर बीच में कहीं जाना हो तो, अगर बीच में कोई अशुद्धि हो जाए तो, ये दो बात जरूर पूछेंगे। मतलब कहीं जाना बहुत जरूरी है और कोई मरेगा जरूर। अरे भाई, शुभ शुभ सोचो, जो होना है वो तो होगा, लेकिन अशुभ क्यों शुरू में ही सोच रहे हो? भगवान का नाम जब तक आप ले रहे हो उत्तम है, जब आप नहीं लोगे भगवान का नाम, भगवान का चिंतन सुमिरन नहीं करोगे तो भगवान आपको कष्ट नहीं देने वाले हैं। वो मंगल भवन है, वो चाहकर भी आपका अमंगल नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारी वृत्ति होनी चाहिए कि हम हर समय प्रभु के स्मरण में रहें। अच्छा, कार्तिक के महीने में लक्ष्मी की भी पूजा होती है। धनतेरस के दिन लोग अपने घर में दक्षिणावर्ती शंख लाते हैं, श्री यंत्र लाते हैं, लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा लाते हैं, लक्ष्मी की चरण पादुका लाते हैं, दिवाली के दिन उसकी स्थापना करते हैं
और पूरे साल उसकी पूजा करते हैं। इसी तरह से अगर एकाक्षी नारियल मिल जाए तो उसकी भी स्थापना करनी चाहिए, पूजा स्थान में उसकी भी पूजा करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी का घर में इससे अस्थाई वास होता है। पीपल के पेड़ की पूजा करके पीपल के पत्ते पर दीपक रख करके किसी पवित्र नदी में प्रवाहित करना चाहिए। आर्थिक परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। घर में बैठी हुई लक्ष्मी और कार्य क्षेत्र में खड़ी हुई कमल के फूल पर लक्ष्मी की स्थापना करनी चाहिए। गन्ने के पेड़ की जड़ लाल कपड़े में बांधकर लाल चंदन लगाकर तिजोरी में रखें, इससे धन लाभ होगा। कार्तिक मास में केसर का तिलक जरूर लगाएं। काम में रुकावट आ रही हो तो कार्तिक मास में कभी भी 3 गुलाब के, 3 बेला के और 3 चमेली के फूल लेकर माँ लक्ष्मी की पूजा के बाद उसे नदी में प्रवाहित करें। ये सब सारे ऐसे उपाय हैं जिससे महालक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा बरसेगी। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जैसे बच्चा अपने माँ के लिए रोता है तो उसे चाहे जितना अच्छे से अच्छा खिलौना दे दिया जाए वो खिलौने की तरफ देखता भी नहीं बल्कि खिलौने को उठाकर फेंक देता है। जब उसकी मम्मी उसको मिल जाती है तब वो खिलौने की तरफ भी देखता है और तब वो दुनियादारी की तरफ भी देखता है। लेकिन जब माँ के लिए रोता है तो उस समय उसे दुनिया की कोई चीज़ दे करके आप चुप नहीं करा सकते। उसी तरह से जब हमारे अंदर महालक्ष्मी के लिए व्याकुलता बढ़ेगी, महालक्ष्मी के मनन चिंतन में हमारा मन लगा रहेगा और मातृभाव से हम उन्हें पुकारेंगे तो निश्चित रूप से वो अपने संतान की मनोकामना पूरी करेंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए अब राशि अनुसार चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों को पूरे कार्तिक मास में कैसे पूजा पाठ करना चाहिए और किन चीजों का दान करना चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, जानते हैं। एक बात जान लीजिए, ज्योतिष शास्त्र की बात कर रहा हूं। प्रायः कार्तिक के महीने में तुला राशि का सूर्य होता है। तुला राशि का सूर्य नीच राशि का होता है। तुला राशि में सूर्य नीच राशि का होता है और 10 डिग्री पर तो इसका परम नीचांशक होता है। तो कार्तिक महीने में जो प्रातः स्नान का शास्त्रों में विधान किया गया है सनातन धर्म में, वो इसीलिए किया गया है कि कार्तिक मास में अगर प्रातः काल स्नान करके लोग सूर्य को अर्घ देंगे तो इससे लोगों के ऊपर सूर्य के जो नीच राशि में जाने का अशुभ परिणाम है उस अशुभ परिणाम से मुक्ति मिलेगी, आत्मविश्वास की वृद्धि होगी। अब राशिफल की बात अगर करें तो मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि कार्तिक मास शुरू हो चुका है। पूरे कार्तिक मास में पानी में बेल के पेड़ की छाल और चंदन पाउडर मिलाकर आपको स्नान करना चाहिए। घर की पश्चिम दिशा में तिल के तेल के 11 दिए शाम को जलाने चाहिए। गेंदे के फूलों की माला से भगवान विष्णु और लक्ष्मी की प्रतिमा का श्रृंगार करना चाहिए और काजू किशमिश मिश्री का भोग लगाना चाहिए। गुड़ और चने की दाल का दान करना चाहिए। चावल को दूध में धो करके जहाँ मछलियाँ रहती हों ऐसे जगह प्रवाहित करना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों को पूरे कार्तिक मास में कैसे पूजा पाठ करना चाहिए और किन चीज़ों का दान आपके लिए शुभ रहेगा जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी, जान लेते हैं पंडित जी से। देखिए, जैसा कि मैं बता रहा हूँ कार्तिक का महीना आज से शुरू हो चुका है, ऐसे में जो वृषभ राशि के जातक हैं उन्हें पूरे कार्तिक महीने में पानी में कूट करके इलायची डालना चाहिए, थोड़ा सा चंदन का पाउडर मिल जाए तो उसे डालना चाहिए और पानी में मिला करके उससे स्नान करना चाहिए प्रातः काल। और कार्तिक मास में घर की पूर्व दिशा में सायंकाल 7 दिए घी के जलाने चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की मूर्ति अगर घर में है तो उनमें सफ़ेद फूल अर्पित करना चाहिए, भगवान को इत्र समर्पित करना चाहिए।
अगर चांदी की मछली मिल जाए तो चांदी की मछली भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के सामने रखना चाहिए और वो बाद में चांदी की लक्ष्मी को उठा करके और लाल कपड़े में या रेशमी कपड़े में लपेटकर अपने घर के तिजोरी में रखना चाहिए। इससे भी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। पूजा के बाद चावल, चंदन या धूप ये किसी योग्य पात्र को दान करना चाहिए। दही और गाय का घी किसी धर्म स्थान में दान करने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। जय माँ विंध्यवासिनी। और अब जानते हैं कार्तिक मास में तुलसी पूजा का बहुत महत्व है, ऐसे में तुलसी से जुड़े कौन से उपाय कार्तिक मास में किस्मत आपकी चमका सकते हैं, आइए पंडित जी से जान लेते हैं तुलसी पूजा का महत्व। पंडित जी इस बारे में बताइए। देखो, अब तुलसी पूजा का भी महत्व इसलिए है कि इसी महीने में प्रबोधनी एकादशी आती है, जिस दिन तुलसी की पूजा का और तुलसी के विवाह का विधान होता है। तुलसी के विवाह का विधान भी कार्तिक के ही महीने में होता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि कार्तिक का महीना तुलसी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही आवश्यक है। धन लाभ और मनचाही नौकरी पाने के लिए कार्तिक मास में तुलसी के पत्तों की माला बनाकर भगवान श्रीहरि विष्णु के साथ जहाँ लक्ष्मी हों ऐसे प्रतिमा पर ये तुलसी की माला समर्पित करनी चाहिए। तुलसी केवल खाने की चीज नहीं है, तुलसी भगवान श्रीहरि विष्णु के श्रृंगार की वस्तु है। अगर आप कभी वृंदावन गए होंगे, अयोध्या गए होंगे, तो आपने देखा होगा तुलसी के पत्तों की माला बनती है। अब वो माला बांके बिहारी को चढ़ाई जाती है, राधा वल्लभ को चढ़ाई जाती है, राधा रमण को चढ़ाई जाती है, प्रभु श्री राम को चढ़ाई जाती है। तुलसी केवल चबाने की चीज और खाने की चीज नहीं है, तुलसी श्रीहरि के श्रृंगार की वस्तु है। और जब श्रीहरि के श्रृंगार में एक भी तुलसी का पत्ता पहुंच जाता है तो श्रीहरि उस जातक पर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। अच्छा, गाय के गोबर का एक दिया बना करके और उसमें तेल और थोड़ा सा गुड़ की डली डाल करके अगर उसे जलाया जाए तो कारोबार में अगर गतिरोध आ रहा है तो वो भी ठीक हो जाता है। विरोधी नुकसान पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं या आप अपने कारोबार की वजह से किसी कानूनी मामले में फंस गए हैं तो कार्तिक मास में अपने कार्य क्षेत्र के नैऋत्य कोण में तुलसी का पौधा लगाकर हर शुक्रवार उसमें जल और थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर चढ़ाएं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये ज़्यादा दिन तक तुलसी का पौधा नैऋत्य कोण में नहीं रहेगा, वहाँ से उठाकर आपको ईशान कोण में रखना होगा 30 दिन के बाद, नहीं तो वो पौधा सूख जाएगा। हर समय हर राशि के जातकों को तुलसी का पौधा ईशान कोण में ही लगाना चाहिए। ईशान का मतलब होता है भगवान शिव और ईशान कोण का मतलब होता है भगवान शिव का विशिष्ट स्थान, वही पूजा स्थान है। और तुलसी भी एक तरह से देवी हैं, इनको हरिप्रिया कहा जाता है। ये केवल एक वनस्पति नहीं है बल्कि ये भी लक्ष्मी की तरह ही हरिप्रिया हैं, एक देवी हैं। इसलिए इनको हर समय ईशान कोण में और स्वच्छ परिवेश में स्थापित करना चाहिए। घर में वास्तु दोष के कारण अगर तरक्की रुकी हुई है, परिवार के सदस्यों की सेहत हमेशा खराब रहती है, परिवार का मान सम्मान कम हो रहा है, कोई भी काम बनते बनते रुक जाता है, तो आपको चाहिए कार्तिक मास में घर की दक्षिण पूर्व से लेकर उत्तर पश्चिम दिशा तक तुलसी के पौधे लगाएं। सुबह शाम तुलसी के पौधों के सामने घी का दिया जलाएं। बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे बहुत जिद्दी, बच्चे गलत संगत में पढ़ रहे हैं, तो घर की पूर्व दिशा में किसी खिड़की के पास तुलसी का पौधा जरूर लगाएं और हर रोज़ बच्चों को तुलसी के 3 पत्ते खिलाएं। जिस लड़की की शादी में देरी हो रही है, रिश्ते बहुत आ रहे हैं लेकिन हमेशा ना ही सुनना पड़ता है, शादी की बात पक्की होकर रिश्ता टूट जाता है, जिन लड़कियों की शादी हो चुकी है लेकिन वो सुखी नहीं है, उनको अपने घर की दक्षिण पूर्व दिशा में तुलसी का पौधा केवल कार्तिक महीने के लिए स्थापित करना चाहिए। हर रोज तुलसी गायत्री मंत्र का जप करते हुए जल चढ़ाना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी।
चलिए आगे बढ़ते हैं और मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि वालों को पूरे कार्तिक मास में कैसे पूजा पाठ करना है और किन चीजों का दान आपको जरूर करना है, जिससे मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा आप पर बरसती रहे। आइए जान लेते हैं। देखिए, आज से कार्तिक मास शुरू हो चुका है, ऐसे में मिथुन राशि के जातक पूरे कार्तिक महीने थोड़ा सा गाय का गोबर पानी में स्पर्श कराकर स्वयं उससे स्नान करें। घर की उत्तर दिशा में घी के 9 दिए जलाएं, श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी की प्रतिमा पर फूलों की माला चढ़ाकर श्रृंगार करें, खीर पूड़ी का भोग लगाएं, कांसे की मछली बनवाकर भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करें। खीरा या मेहंदी का दान कार्तिक मास में उत्तम माना जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि की बात कर लेते हैं। पूरे कार्तिक मास में कैसे आपको पूजा करनी है और किन चीजों का दान आपको करना है, जिससे मां लक्ष्मी हमेशा आपसे खुश रहें, जान लेते हैं। देखिए, आज से कार्तिक का महीना शुरू हो चुका है, ऐसे में कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि पूरे कार्तिक मास में पानी में सफेद चंदन का पाउडर मिलाकर आपको स्नान करना चाहिए। अपने घर की पूर्व दिशा में घी के 21 दिए सायंकाल जलाने से कार्तिक के महीने में निश्चित रूप से रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है। अशोक के पत्तों की माला बनाकर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को अर्पित करना चाहिए, मालपुआ का भोग लगाना चाहिए, चांदी की मछली बनवाकर भगवान श्रीहरि विष्णु के सामने अर्पित करना चाहिए। कार्तिक मास में दूध और चावल का दान जरूरतमंदों में करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। कालचक्र दर्शक बिहार पटना से वंदना जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। पंडित जी प्रणाम, आपका कोटि कोटि प्रणाम। पंडित जी खुश रहो। हम अपने यूट्यूब पर देखते हैं आपका शो। पंडित जी, हम अपने बेटा आर्यन के बारे में पूछना चाहते हैं। मेरा बेटा का नाम आर्यन कुमार है, डेट ऑफ बर्थ 16 दिसंबर 2016, दिन शुक्रवार 7:45। बेटा पढ़ने में मन नहीं लगता है और उसके स्वास्थ्य, उसके भविष्य के बारे में बताएं। देखो, अभी तो सिर्फ और सिर्फ ये 8 साल का है बेटा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, ये अच्छी पढ़ाई करेगा। आप इसके लिए एक उपाय करिए, बेलपत्र का जो पेड़ होता है ना, उस बेलपत्र के पेड़ की जड़ थोड़ा सा 1 इंच रविवार को खोद करके और उसको पिंक कलर धागे में या पिंक कलर कपड़े में बांध करके इसके गले में या इसके कमर में करधनी में बांध दो। निश्चित रूप से 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़ा मत करना, ताकि उसको पहनने में अनकंफर्ट ना हो। निश्चित रूप से पढ़ाई में उसका मन स्थिर हो जाएगा और अच्छी पढ़ाई करेगा और सफलता भी उसको मिलेगी। अभी आप टेंशन मत लीजिए, अभी बहुत छोटा बच्चा है, 8 साल का है, इसके शिक्षा का योग मुझे ठीक दिखाई दे रहा है और आगे चल के इसे टेक्निकल पढ़ाई, कंप्यूटर से रिलेटेड, तकनीकी क्षेत्र से रिलेटेड क्षेत्र में पढ़ाई के लिए अभी से इसका मन बनाओगे तो अच्छा रहेगा। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, और बढ़िया करें ये पढ़ाई में। इसके लिए आपको चाहिए ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का 10 माला जप आप रोज करके भगवान गणेश को समर्पित करके और भगवान गणेश से कहें कि हे भगवान गणेश, आप मेरे पुत्र के बुद्धि रूप में स्थापित हो जाएं। ये उपाय आप 1 साल करके देखिए, अगर आपका बच्चा अपने क्लास में अपने स्कूल में टॉप न करने लगे तब आप कहिएगा। देखिए, जैसे हमारे खाते में अगर 1 लाख रुपया है और मैं चाहूँ तो आपके खाते में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, इसी तरह से अगर आपके पास पुण्य है तो आप अपने पुण्य को अपने बच्चे के पास ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उस पुण्य का पूरा फल मिलेगा। आपने अगर 10 माला पूजा की और भगवान गणेश को समर्पित किया और भगवान गणेश से आपने प्रार्थना की कि मेरे आर्यन को आप मतलब बुद्धि दीजिए, तो निश्चित रूप से भगवान गणेश
उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इस तरह से माता पिता को चाहिए कि भगवान की भक्ति करके, उसे भगवान को समर्पित करके और अपने संतान के बुद्धि के लिए, अपने सब संतान के भविष्य के लिए वो पुण्य अर्पित करें। इससे निश्चित रूप से लाभ मिलता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जय माँ विंध्यवासिनी। कार्तिक मास की शुरुआत हो चुकी है, जैसा कि हमने आपको बताया, पंडित जी ने आपको बताया, कार्तिक मास में स्नान दान, तुलसी पूजा और दीपदान का बहुत विशेष महत्व है। ऐसे में माँ लक्ष्मी संग भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए पूरे कार्तिक मास राशि अनुसार आपको स्नान दान और दीपदान कैसे करना है, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको विस्तार से बता रहे हैं। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं दीपदान की। कार्तिक मास में दीपदान का महत्व है, ऐसे में हर दिन दीपदान करने से क्या लाभ होगा, क्या लाभ होगा पंडित जी, ये तो आप बताइए, और कैसे करें दीपदान? देखो विपनेश, ऐसा है कि अषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान श्री हरि विष्णु शयन की अवस्था में चले जाते हैं जी, और कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रबोधनोत्सव, मतलब श्री हरि जागते हैं। इन चार महीनों तक सनातन धर्म में सारे शुभ कार्यों पर रोक हो जाती है, जैसे विवाह, जनेऊ, यज्ञोपवीत संस्कार, ये सब जितने कर्म होते हैं वो शिथिल हो जाते हैं। संत महात्मा, साधु संत एकांत स्थान लेकर के और इन चार महीनों में कहीं भ्रमण नहीं करते हैं, बल्कि एक स्थान पर रह करके चौमासा व्यतीत करते हैं और भगवान की भजन करते हैं। और कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को श्रीहरि जब जगते हैं तो उनका तुलसी के साथ विवाह कराया जाता है। शालिग्राम की शिला का तुलसी के साथ विवाह कराया जाता है, और तुलसी विवाह होते ही एक अबूझ मुहूर्त बन जाता है, जिस दिन सब लोग अपने लड़के लड़कियों की शादी कर सकते हैं, कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं होती है जी। तो कार्तिक का महीना कई मामलों में बहुत अतुलनीय है, जैसे महालक्ष्मी की उपासना के लिए तो है ही है, कुबेर की उपासना के लिए है ही है, सरस्वती की उपासना के लिए है ही है, ठीक है, विश्वकर्मा की उपासना के लिए है ही है, साथ में श्री हरि विष्णु जो जगत के पालनहार हैं वो सोकर उठते हैं इस महीने में, और तुलसी के साथ उनका विवाह होता है, ठीक है। तो इसके साथ सभी जो शुभ काम है वो आप कर सकते हैं, शादी शुरू हो जाता साथ है, साथ सारा शुभ कार्य, सब कुछ, सब कुछ, अच्छा, मतलब सब सारे शुभ कार्य सनातन धर्म के, जितने भी सनातन धर्म के शुभ कार्य हैं, सारे कार्यों की शुरुआत कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से शुरू हो जाता है जी। तो कहने का मतलब ये महीना अपने आप में अद्भुत है हम सनातनियों के लिए। तो कार्तिक मास में सोमवार को दीपक जलाने से मन का डर, क्रोध और चिंताएं दूर होती हैं, त्वचा संबंधी रोग ठीक होते हैं। अगर आप शिवालय में जाकर के और शाम को सोमवार को घी का दिया जलाइए, और पूरे कार्तिक महीने हर सोमवार को शिवालय में जाके घी का दिया जलाइए, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप रोग शोक से मुक्त हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरों से खुद को जो लोग नीचा समझते हैं और जिनके अंदर नकारात्मक ऊर्जा भरी हुई है, ऐसी सोच भी समाप्त होती है। कार्तिक के महीने में मंगलवार को घर में दीपक जलाने से शादी में आ रही रुकावटें दूर होती हैं, वैवाहिक जीवन में कलेश खत्म होता है, केतु ग्रह के कारण आ रहा संकट दूर होता है। केतु ग्रह के कारण जानते हैं क्या संकट आता है? एक तो एंजाइटी की समस्या होती है, दूसरे ब्रेन से संबंधित समस्या होती है, चाहे ब्रेन हेमरेज हो और चाहे क्लॉटिंग की समस्या हो, बिना केतु के कोई ये रोग नहीं हो सकता, केतु ही ये सब रोग देता है। और कार्तिक महीने में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करके, बुधवार के दिन विशेष रूप से गणेश जी की पूजा करके आप केतु के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं, और बुधवार के दिन अपने घर में दीपक जलाने से बीमारियां समाप्त होती हैं, और सही समय पर गंभीर बीमारियों का पता चल जाता है जिससे उसका इलाज संभव हो पाता है।
कार्तिक मास में बुधवार को दीपक जलाने से बौद्धिक क्षमता बढ़ती है, पढ़ाई में रुकावट नहीं आती है और जीवन में अच्छे दोस्तों का साथ मिलता है। जो लोग बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा करते हुए और 108 बार गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ कर लेते हैं, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कोई भी कंपटीशनर लड़का, चाहे वो UPSC का एग्ज़ाम देने जा रहा हो, चाहे UPPCS का एग्ज़ाम देने जा रहा हो, चाहे किसी राज्य के प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में हो, अगर वो 108 बार कार्तिक के महीने में बुधवार के दिन गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ कर ले तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि उसके मन मस्तिष्क में एक ऐसी ऊर्जा का प्रादुर्भाव होगा जिसकी उसने कल्पना नहीं की होगी। तो कार्तिक मास में गुरुवार को घर में दीपक जलाने से संतान सुख मिलता है, घर में खुशी का माहौल रहता है और अविवाहित लोगों के शादी के भी योग बनते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और अब हम आगे बढ़ते हैं, सिंह राशि की बात करेंगे। सिंह राशि वालों को पूरे कार्तिक मास में कैसे पूजा करनी चाहिए और किन चीजों का आपको दान करना है, जिससे मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, जान लेते हैं। देखिए, इस कार्तिक के महीने में सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि पूरे कार्तिक मास में पानी में केसर घिसकर चंदन के साथ उसे पानी में मिलाकर स्वयं पूर्व दिशा में मुंह करके हर हर गंगे काल हर कंटक हर दुख हर दारिद्र हर 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 गंगे कहते हुए स्नान करना चाहिए। अपने घर की पूर्व दिशा में अलसी के तेल के साथ दिए जलाने चाहिए। विष्णु और लक्ष्मी की प्रतिमा पर कपड़े, धोती, पीली धोती, पीले कपड़े अर्पित करना चाहिए। माँ लक्ष्मी के लिए पिंक कलर के, गुलाबी रंग के या लाल रंग के वस्त्र अर्पित करना चाहिए। सोने की मछली विष्णु और लक्ष्मी के सामने अर्पित करनी चाहिए। चांदी के बर्तन में शहद भरकर कार्तिक मास में दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि वालों को पूरे कार्तिक मास में कैसे पूजा करनी है, किन चीजों का दान आपके लिए शुभ रहेगा, जिससे मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी, जान लेते हैं। कार्तिक मास शुरू हो चुका है, ऐसे में कन्या राशि के जातक पूरे कार्तिक महीने में पानी में विधारा की जड़ मिलाकर, ये विधारा पंसारी की दुकान से आपको मिल जाएगा, विधारा की जड़ पानी में डालकर और उससे स्नान करें। अगर स्किन एलर्जी है आपको, स्किन के कोई रोग से आप परेशान हैं, आप पक्का मानिए इस महीने आप उस रोग से मुक्त हो जाएंगे अगर विधारा की जड़ नित्य पानी में डालकर आप स्नान करेंगे। घर की उत्तर पूर्व दिशा में घी के 11 दिए आप जला सकते हैं। तांबे के कलश में जल भरकर विष्णु लक्ष्मी प्रतिमा के सामने रख सकते हैं। छोटा सा कलश रखिएगा, बहुत बड़ा नहीं, ठीक है, और उस पर पंचपल्लव जरूर लगाइएगा। फूलों की माला चढ़ाइएगा, कांसे की मछली अर्पित कर सकते हैं और कार्तिक मास में तुलसी के 7 पौधे किसी मंदिर में दान कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। नौकरी और कारोबार में आ रही मुश्किलों को दूर करने के लिए और फिजूल खर्च पर रोक लगाने के लिए कार्तिक मास में कैसे दीपदान करें, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, दीपदान के बारे में बताइए। देखिए, कार्तिक महीने का नाम आते ही मन मस्तिष्क में एक दीपदान की परिकल्पना तो अपने आप हो जाती है। पूरे भारत में अटक से लेके कटक तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, शायद ही कोई ऐसा घर होता होगा जिस दिन दिवाली के दिन दिए न जलते हों। यही साल भर में ऐसा दिन है जहां पूरे घर सबके जगमगाते रहते हैं। तो कार्तिक मास में शुक्रवार को घर में दीपक जलाने से पति पत्नी के संबंधों में मधुरता आती है, फिजूल खर्ची रुकती है, बिजनेस में आ रही परेशानियां दूर होती हैं, किसी महिला के कारण परिवार को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो भी शुक्रवार को दीपक जलाने से दूर होगी। कार्तिक मास में शनिवार को घर में दीपक जलाने से नजर दोष और राहु के दोष से मुक्ति मिलती है। नौकरी और कारोबार में आ रही मुश्किलें दूर होंगी। शनिवार को दीपक जलाने से आयु भी लंबी होती है।
कार्तिक मास में रविवार को दीपक जलाने से सभी परेशानियां दूर होंगी। पूर्वजों का आशीर्वाद परिवार पर हमेशा बना रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब तुला राशि की हम बात करेंगे। तुला राशि वालों को पूरे कार्तिक मास में कैसे करनी है पूजा, किन चीजों का दान आपके लिए अच्छा रहेगा जिससे मां लक्ष्मी खुश रहेंगी, आपसे जानते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज से कार्तिक मास की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में पानी में गुलाब जल मिलाकर के आप स्नान करिए, अपने घर की उत्तर दिशा में घी के दिए जलाइए, कमल के फूलों की माला विष्णु और लक्ष्मी की प्रतिमा पर चढ़ाइए, रसगुल्लों का भोग लगाइए। कार्तिक मास में चावल, जौ, सिंदूर या इत्र का दान आप किसी जरूरतमंद को कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों को पूरे कार्तिक मास में कैसे करनी है पूजा और साथ ही किन चीजों का दान आपके लिए अच्छा रहेगा जिससे मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी, जल्दी से जानते हैं। आज से कार्तिक मास की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में वृश्चिक राशि वाले पूरे कार्तिक मास में पानी में गुलाब के फूलों की पंखुड़ियां डालकर स्नान करें, अपने घर की पश्चिम दिशा में तिल के 11 दिए जलाएं, गेंदे के फूलों की माला विष्णु और लक्ष्मी की प्रतिमा पर अर्पित करें, काजू किशमिश मिश्री का भोग लगाएं। कार्तिक मास में गुड़ या चने की दाल का दान किसी जरूरतमंद को करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है धनु राशि की। धनु राशि वालों को पूरे कार्तिक मास में कैसे पूजा पाठ करना है और किन चीजों का दान करना है जिससे मां लक्ष्मी की कृपा इन पर हमेशा बनी रहे, जान लेते हैं। कार्तिक मास शुरू हो चुका है। ऐसे में धनु राशि वाले पूरे कार्तिक मास में पानी में हल्दी मिलाकर स्नान करें, घर की पूर्व दिशा में कपूर और घी डालकर 5 दिए जलाने चाहिए, विष्णु लक्ष्मी प्रतिमा का जल और कच्चे दूध से अभिषेक करें, पंचमेवे का भोग लगाएं, पीतल की मछली भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करें। कार्तिक मास में केसर या साबुत हल्दी का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं गंगाजल से जुड़े उपायों की। कार्तिक मास में गंगा स्नान न कर पाए तो गंगाजल से कौन से उपाय आपको जरूर करने चाहिए, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, नहीं है सभी के लिए संभव कि गंगा स्नान किया जाए, तो फिर घर पर क्या उपाय हो सकते हैं? घर पर उपाय ये हो सकता है कि मानसिक रूप से गंगा में स्नान करें। गंगे तो दर्शनार्थ मुक्ति। अगर आप मन में हरिद्वार का चिंतन करते हुए, प्रयाग का चिंतन करते हुए, काशी का चिंतन करते हुए अगर आपको गंगा में स्नान करते हुए अपने को देख रहे हैं और पूरब दिशा में मुंह करके सूर्य को अर्घ देते हुए देख रहे हैं, तो पक्का है कि आपका घर का ही स्नान गंगा स्नान माना जाएगा। कार्तिक मास में हर रोज गंगा जल में हल्दी मिलाकर घर के अंदर उसका छिड़काव करें, दुर्वा घास ले लें और हल्दी और जल का घोल गंगा जल का बनाकर घर में हर जगह हल्का सा छिड़कें, जिससे मतलब कि वो दिखाई भी ना पड़े और हर जगह पड़ भी जाए। दक्षिणावर्ती शंख घर के मंदिर में जरूर स्थापित करें और उसमें गंगा जल भर कर रखें। पूजा के बाद अपने मुख्य द्वार पर शंख से भरा हुआ गंगा जल वो छिड़कें, इससे हर वास्तु दोष दूर होगा और सुख सौभाग्य मिलेगा। आपका बच्चा अगर नकारात्मक सोचता है, गुस्सैल है, कल्पनाओं में रहता है, तो कार्तिक मास में उस पर समय समय पर गायत्री मंत्र बोलते हुए गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए, चांदी के गिलास में ही पानी पिलाना चाहिए और मेडिटेशन करने के लिए कहना चाहिए। सुख समृद्धि पाने के लिए कार्तिक मास में शिवालय या घर के शिवलिंग के सामने बैठकर शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए, शिव स्तुति या शिवाष्टक का पाठ करना चाहिए। कारोबार में अगर बहुत नुकसान हो रहा है तो कार्तिक मास में गंगा जल को हाथ में लेकर 21 बार गायत्री मंत्र जपें, गंगा जल को अपने कार्य क्षेत्र की दीवारों पर छिड़कें। आर्थिक परेशानियों से मुक्ति के लिए कार्तिक मास में 1 cc में गंगा जल भरकर उसमें सफ़ेद गुंजा के बीज डालकर हर रोज श्री सुक्त और कनक धारा स्त्रोत का प्रातः सायं पाठ करें, इससे भी महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। जय मां विंध्यवासिनी।
आगे बढ़ते हैं मकर राशि की बात करें उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। लखनऊ से नेहा जी, स्वागत है आपका कालचक्र में, अपना सवाल पंडित जी से कीजिए। हेलो। हाँ बोलिए जी। नमस्कार पंडित जी। हाँ सदा सुखी रहिए जी। पंडित जी मेरा ये सवाल है कि मेरा मतलब अपना घर नहीं है, 20 साल हो गए हैं और अभी एक जगह हमने घर देखा है तो वो दक्षिण मुखी है, तो क्या वो घर लेना चाहिए? घर के लिए बहुत परेशान है। देखिए ऐसा है, मंगल और शनि आपके प्रश्न के अनुसार लग्नेश और चतुर्थेश का इत्तेसाल हो रहा है, घर लेने का योग अब बना हुआ है। और रही बात दिशाओं की, तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चार दिशाएं होती हैं, चारों दिशाओं के मकान शुभ होते हैं और चारों दिशाओं के मकान अशुभ होते हैं। किसके लिए कौन सा मकान शुभ होगा, किसके लिए कौन सा मकान अशुभ होगा, ये लोगों के राशियों पर डिपेंड करता है। जहां तक आपने जो प्रश्न पूछा है, आपको मैं बता दूं कि दक्षिण द्वार का घर अगर आप ले लेंगी तो आपको कभी नुकसान नहीं होगा। आप दक्षिण द्वार का घर ले लीजिए, घर के चौखट के ठीक ऊपर एक गणेश जी का सिंदूरिया रंग का एक प्रतिमा लगा दीजिए, चित्र लगा दीजिए या मतलब मूर्ति लगा दीजिए, और घर के अंदर निकलते समय सफ़ेद रंग के गणेश जी चौखट के ऊपर लगा दीजिए। निश्चित रूप से इस घर में आपको सुखपूर्वक रहने का अवसर प्राप्त होगा, कभी किसी प्रकार का दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं करेगा, निश्चिंत रहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। मकर राशि वालों को धनवान बनने के लिए पूरे कार्तिक मास में कैसे पूजा पाठ करना है, किन चीजों का दान आपके लिए शुभ रहेगा जिससे मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा आप पर बरसती रहेगी, आइए जान लेते हैं। देखिए कार्तिक मास शुरू हो चुका है, ऐसे में मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, पूरे कार्तिक के महीने में पानी में हल्का सा काला तिल मिला करके आपको स्नान करना चाहिए। अपने घर की उत्तर दिशा में सरसों के तेल के 21 दिए जलाने चाहिए। तुलसी के पत्तों की माला भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करनी चाहिए। कार्तिक मास में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को श्यामा तुलसी का भोग लगाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे, अब बारी है आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। आज की हमारी ईमेल कुंडली विजेता है वाराणसी की रहने वाली रिद्धि। इन्होंने हमें मेल किया और अपनी समस्याओं और समाधान और भविष्य के बारे में जानना चाहा है। चलिए पंडित जी से इनकी समस्या का समाधान क्या हो सकता है ये जानते हैं। पंडित जी इनकी डिटेल आपके पास है। इनके 3 सवाल हैं, एक तो शादी से जुड़ा हुआ सवाल है, प्यार में इन्होंने धोखा खाया है तो लाइफ कब तक अच्छी होगी, अच्छा पार्टनर कब तक मिलेगा, मन बहुत अशांत रहता है क्या उपाय करें, और जॉब कब तक लगेगी। आईटी फील्ड का इन्हें अनुभव है, डिजिटल मार्केटिंग एआई का कोर्स भी किया हुआ है। देखो ऐसा है बेटा, रिद्धि का जन्म 11 मार्च 1993 6:32 पर सुबह वाराणसी में हुआ है। रिद्धि आपका जन्म मीन लग्न में और तुला राशि में हुआ है। आपके जन्म समय पे जो ग्रहों की स्थिति थी उसमें सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध और बृहस्पति, ये 5 ग्रह शत्रु राशि में बैठे हुए हैं। 5 ग्रह जब शत्रु राशि में हैं तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष की स्थिति होती है और कोई चीज़ आसानी से प्राप्त नहीं होती है। जबकि शुक्र आपका उच्च राशि में लग्न में बैठा हुआ है, आप सुंदर हैं, पक्का आप सुंदर हैं, इंटेलिजेंट हैं और बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी है आपकी, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि भी है और चरित्र भी आपका ठीक है, बढ़िया है, आपकी सोच अच्छी है। लेकिन ग्रहों की स्थिति आपके अनुकूल नहीं है। चतुर्थ भाव का मंगल आपको मांगलिक बना रहा है जिसके कारण आपके अंदर गुस्सा भी आता है। एजुकेशन की बात और आजीविका की बात करें तो बृहस्पति में चंद्रमा का अंतर चल रहा है, चंद्रमा आपके अष्टम भाव में बैठा हुआ है जिससे आप बहुत ज़्यादा नकारात्मक सोचती हैं। आपको चाहिए कि आप नित्य भगवान शिव के मंदिर जाकर के जल दूध बेलपत्र से अभिषेक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप किया करें, और इसके बाद में बुध और बृहस्पति आपकी कुंडली में सदाष्टक योग बना रहे हैं जो दाम्पत्य जीवन में कटुता और कठिनाई का संकेत करते हैं। ऐसे में आपको विष्णु सहस्र नाम का पाठ, एक पाठ सुबह एक पाठ शाम, 125 दिन कर लेना चाहिए जिससे आपके वैवाहिक जीवन में भविष्य में कोई समस्या ना उत्पन्न हो। आपके विवाह का योग बना हुआ है,
और आपके विवाह का योग जहाँ तक मैं समझता हूँ 1 अप्रैल 2025 के बाद दिसंबर 2025 तक बन जाएगा। जय माँ विंध्यवासिनी। और छपरा से कालचक्र दर्शक मंजू जी जुड़ गई हैं अपने सवाल के साथ, स्वागत है, अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। हाँ सदा सुखी रहिए पंडित जी। मैं छपरा बिहार से मंजू बोल रही हूँ जी। मेरा बेटा है, ये तो कंफर्म नहीं है कि मतलब उसका 12 तारीख का जन्म है कि 13 तारीख का जन्म है, यानी कि 12 बजे रात को जन्म है, 12 बजे मैंने 12 बजने में या 10 मतलब हो गए या 12 बजने के 10 के बाद, लेकिन उसका मतलब 12 को जन्म है, शुक्रवार दिन था, ये तो कंफर्म है। उसका वृषभ राशि है, ये भी कंफर्म है। इसके अनुसार उसके नौकरी के बारे में कुछ बता दीजिए। बेरोजगार है अभी तक, 1996 का जन्म है उसका। क्या नाम है बेटे का? बेटे का नाम तो स्कूल का नाम समीर है, घर पे मोनू बोलते हैं। और मेरा घर है जो मेरा घर है उत्तरमुखी है, घर के मतलब अंदर भी पंचमुखी हनुमान जी का चित्र है और बाहर भी चित्र है, तो मतलब ये सही है कि नहीं है? गणेश जी का चित्र आप बताए थे एक बार कि दक्षिण मुखी नहीं लगाना चाहिए अंदर के तरफ, तो चलिए ठीक है, आप चिंता मत करिए। आपके बेटे के नौकरी का योग बना हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लग रहा है कि इस 2025 के शुरुआत तक इसे नौकरी मिल जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। बेटे से कहिए कि ये 7 शनिवार शाम को सुंदरकांड का पाठ कर लिया करे। अगर ये सुंदरकांड का पाठ शनिवार को शाम को हनुमान जी के चित्र के सामने 7 शनिवार कर लेगा तो निश्चित रूप से इसे अच्छी नौकरी मिल जाएगी और इसका भविष्य भी अच्छा हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसे हनुमान जी की उपासना खूब अच्छी तरह से करनी चाहिए ताकि इसका भविष्य मंगलमय हो। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों को धनवान बनने के लिए पूरे कार्तिक मास में कैसे पूजा पाठ करना है और किन चीजों का दान करना है जिससे माँ लक्ष्मी हमेशा आपसे खुश रहें, जान लेते हैं। कार्तिक का महीना शुरू हो चुका है, ऐसे में कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि पूरे कार्तिक मास में पानी में 2-4 दाने काले तिल डाल करके अपने वो आपको स्नान करना है। स्नान पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके करना है या पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके करना है, और स्नान करते समय आपको बोलना है हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे, और गंगा जी का ध्यान भी करना है। और अपने घर की पूर्व दिशा में सरसों के तेल के 31 दीपक आपको जलाने चाहिए। विष्णु लक्ष्मी प्रतिमा का दही से दक्षिणावर्ती शंख में दही भरकर अभिषेक करना चाहिए और खूब उसके बाद शुद्ध जल से अभिषेक करके षोडशोपचार पूजन करके माँ लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। कार्तिक मास में अगर लोहे की मछली मिल जाए तो उसे भी भगवान विष्णु को आप समर्पित कर सकते हैं। लोहा मतलब स्टील की लक्ष्मी अगर मछली अगर मिल जाए तो उसे भी आप समर्पित कर सकते हैं। और न मिले तो कोई तनाव लेने की जरूरत नहीं है कि अरे मुझे तो नहीं मिला। पीला फूल भी अगर आप चढ़ा देंगे, देखिए भगवान जो है भाव के भूखे हैं, भगवान वस्तु के भूखे नहीं हैं, भगवान भाव के भूखे हैं। इसलिए मैं बताता हूँ, अगर आप पूरे कार्तिक महीने में अच्युताष्टक का पाठ करेंगे और उसके बाद श्री सूक्तम का पाठ करेंगे सुबह शाम, तो पक्का मानिए कि आपके घर में कमल के फूल पर लक्ष्मी आएंगी, उल्लू के साथ लक्ष्मी नहीं आएंगी, और आपका मान सम्मान यश प्रतिष्ठा सब बढ़ेगी। जय माँ विंध्यवासिनी। अब जल्दी से मीन राशि वालों की बात कर लेते हैं, धनवान बनने के लिए कार्तिक मास में कैसे आपको पूजा पाठ करना है जान लेते हैं। देखिए आज से कार्तिक मास शुरू हुआ है, ऐसे में मीन राशि के जातकों को चाहिए कि कार्तिक मास में पानी में गेंदे के फूल की पत्तियां डालकर स्वयं स्नान करें, पूर्व दिशा की ओर मुंह करके घी के 7 दिए जलाएं, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा पर सफ़ेद फूल अर्पित करें, इत्र भी अर्पित करें, चांदी की मछली विष्णु लक्ष्मी को अर्पित करें। कार्तिक मास में चावल चंदन या धूप का दान जरूर करना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी।
तो कार्तिक मास में कैसे महालक्ष्मी की कृपा आपको पानी है, कैसे धनवान बनना है, कैसे पूजा पाठ करना है, क्या दान करना है, क्या उपाय करने, सब पंडित जी ने आपको बताया। इसके लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आज का विषय हमारा आपको पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की टीम को दीजिए इजाजत। न्यूज 24 नमस्कार।